नमस्कार दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी के युवा लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया। जिस प्रकार उन्होंने जनता के अविश्वास जीत के अपने कार्य क्षेत्र में विधायकों की संख्या बढ़ाया था और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी बहुमत मिली थी, उसका उन्होंने अच्छी तरह से धर्म को निभाया है और उन्होंने जिस प्रकार ये भी क्लियर कर दिया कि वो खरीद प्रकोष्ठ का राजनीति नहीं करेंगे और जो इस प्रकार की बातें कर रहा था उसके शब्दों पर भी विराम लगाने का काम किया है उन्होंने, आज भारतीय जनता पार्टी का एक सेवक के नाते मैं अपने मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और महाराष्ट्र की जनता भी उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने सही समय पर सही डिसीजन लिया है, उनके साथ पूरे महाराष्ट्र की जनता है। और इस क्रम में अगर किसी ने भी अपने शब्द से पीछे हटने का जो काम किया है वो भी जनता देख रही है। आने वाले दिन में जनता उनको जरूर सबक सिखाएगी और आने वाले दिन में जनता जरूर कड़ा निर्णय लेगी उसके लिए। हम लोग को ये बहुत बड़ी बात है कि आज एक बहुत ऐतिहासिक फैसला भी आने वाला है हिंदुस्तान के लिए, उसके लिए संयम बरतना चाहिए और अपने कार्य पे ध्यान देना चाहिए, अफवाह पे ध्यान नहीं देना चाहिए और हर तरह से अपने आप को किसी भी अफवाह से दूर रखना चाहिए। इसी के साथ मैं आप लोग का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखता हूँ अगला सरकार महाराष्ट्र का किसका होगा। धन्यवाद।